दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि बीएड कैसे करें। दोस्तों अगर आप बीएड करना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि बीएड कौन से कॉलेज से कर सकते हैं, बीएड में कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं, बीएड की बेस्ट कॉलेज कौन सी होती है, बीएड की फीस कितनी होती है, बीएड कितने साल का होता है, बीएड कौन कर सकता है, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, बीएड के बाद आपको जॉब में सैलरी कितनी मिलेगी, आपके पास करियर ऑप्शन क्या क्या रहेंगे, ये सारी जानकारी आपको मैं इस वीडियो से देने वाली हूँ दोस्तों। तो एंड तक मेरा ये वीडियो जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि बीएड का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों बीएड का फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ एजुकेशन। दोस्तों आप अपनी पसंद का या फिर जिस विषय में आपने ग्रेजुएशन पूरी की है उस विषय में आप बीएड का कोर्स कर सकते हैं। बीएड का कोर्स आप जिस भी विषय में करेंगे आप उस विषय के अध्यापक की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप कंप्यूटर के लिए कर रहे हैं तो आप कंप्यूटर टीचर बनेंगे, अगर आप गुजराती के लिए कर रहे हैं तो आप गुजराती टीचर बनेंगे। अलग अलग विषय के लिए अलग अलग होता है दोस्तों। दोस्तों भारत में रहते हुए यदि आप अपना भविष्य सरकारी टीचर के तौर पर बनाना चाहते हैं तो आपके पास बीएड की डिग्री होना बहुत ही जरूरी है। बस इसके लिए आपको एक अच्छे कॉलेज का चुनाव करना पड़ेगा और आपको जिस विषय में इंटरेस्ट है या फिर जिस विषय में आपने अपनी डिग्री पूर्ण की है उस विषय का आपको सिलेक्शन करना पड़ेगा। दोस्तों अब हम जानते हैं कि बीएड करने के लिए आपकी योग्यता क्या होनी चाहिए, यानी एलिजिबल क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए। दोस्तों बीएड के लिए सबसे पहले तो आपको 12th पास करना होगा, उसके बाद आपके वो 12th में 50% तो आने ही चाहिए, उसके बाद आप ग्रेजुएशन खत्म कर लेते हैं, उसके बाद आप बीएड की पढ़ाई कर सकते हैं। दोस्तों आपके पास ग्रेजुएशन का रिजल्ट होना तो बहुत ही जरूरी है। यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी की है तो आप बीएड के पात्र हैं। बीएड करने के लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम भी देना होता है। कम से कम आपको आपकी उम्र 21 से लेके 35 तक की तो होनी ही चाहिए। दोस्तों अब हम बात करते हैं आयु सीमा के बारे में। जैसे दोस्तों मैंने बताया है कि सभी क्षेत्रों में आयु सीमा तो बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। मैंने आगे बताया उस हिसाब से बीएड के लिए आपकी उम्र 21 साल से अधिक और 35 वर्ष से कम ही होनी चाहिए। दोस्तों आपकी उम्र अधिक होने पर कुछ कॉलेज या यूनिवर्सिटी आपको शिक्षा के आधार पर आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट प्रदान करते हैं, अर्थात आप 40 वर्ष की आयु तक बीएड करने के पात्र भी कहलाते हैं। दोस्तों तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है। दोस्तों अगर आपको जानकारी और चाहिए तो आप नजदीक के बीएड कॉलेज में जाके भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ऑनलाइन भी आप चेक कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि बीएड के लिए एंट्रेंस एग्जाम कौन सी देनी पड़ती है। दोस्तों यदि आपका ग्रेजुएशन पूरा हो चुका है और आप बीएड करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम पास करना होगा, तब भी आप बीएड में दाखिला ले सकते हैं। दोस्तों सभी कॉलेज या यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम के हिसाब से करवाते हैं। दोस्तों एंट्रेंस एग्जाम पर राष्ट्रीय टर भी होता है। एंट्रेंस एग्जाम में अच्छे नंबर आने पर आपको दाखिला सरकारी कॉलेज में हो जाता है, जहां आपकी फीस कम होगी। दोस्तों एंट्रेंस एग्जाम का रिजल्ट आने के बाद आपको काउंसिलिंग करवानी पड़ती है। यदि आपके ज्यादा नंबर भी नहीं आए और आपको सरकारी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिला तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप अपना दाखिला किसी भी प्राइवेट कॉलेज में आसानी से करवा सकते हैं, बस यहाँ आपकी फीस थोड़ी डिफरेंट होगी। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि प्राइवेट कॉलेज की फीस अलग होती है और जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसकी फीस अलग होती है। गवर्नमेंट कॉलेज की फीस हमेशा कम रहती है और प्राइवेट की फीस हमेशा ज्यादा रहती है। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से सब्जेक्ट आपको बीएड में आप कर सकते हैं। दोस्तों बीएड करने के लिए आपको एक प्रवेश परीक्षा पास करनी होती है, जो कि जून या फिर जुलाई के महीने में आयोजित की जाती है। दोस्तों देश भर में बहुत सारे गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट कॉलेजेस या यूनिवर्सिटी है जो बीएड का कोर्स करवाते हैं। दोस्तों यहाँ मैं विषय की बात करूँ तो वो है जैविक विज्ञान, फिर है प्राकृतिक विज्ञान, फिर है व्यापार शारीरिक शिक्षा, फिर है कंप्यूटर विज्ञान, फिर है भौतिक विज्ञान, फिर है अर्थशास्त्र, फिर है अंग्रेजी,
फिर है तमिल, फिर है भूगोल, फिर है गणित, फिर है राजनीति विज्ञान, फिर है हिंदी, फिर है भौतिक विज्ञान, फिर है होम साइंस, फिर है रसायन विज्ञान। ये मैंने जितने भी सब्जेक्ट आपको बताए हैं दोस्तों, वो आप इंटरनेट पे भी सर्च कर सकते हैं बीएड के लिए। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि बीएड कोर्स के फायदे क्या क्या होते हैं। दोस्तों बीएड का सबसे बड़ा फायदा यही है कि इस कोर्स को करने के बाद आप आसानी से सरकारी विद्यालय में नौकरी पा सकते हैं। दोस्तों जब तक आपकी गवर्नमेंट जॉब नहीं लग जाती तब तक आप उसको उसके बाद प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ा सकते हैं। दोस्तों इस कोर्स को करने के बाद प्राइवेट स्कूल में भी आपको अच्छी सैलरी मिल जाती है। दोस्तों बीएड कोर्स करने के पश्चात आप अपना खुद का कोचिंग सेंटर भी खोल सकते हैं और वहां पर बच्चों को पढ़ाकर पैसे कमा सकते हैं। दोस्तों सबसे ज्यादा आज पैसा तो जो क्लासेस कोचिंग सेंटर खोल के बैठे हैं वो ही कमाते हैं, तो आप अपना साइड बिजनेस भी कर सकते हैं जो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। दोस्तों बीएड कोर्स को करने के बाद आप अपना खुद का स्कूल तक खोल सकते हैं। यदि आप बीएड कोर्स के पश्चात एमएड कोर्स करना चाहते हैं तो यह भी आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों यह एजुकेशन की मास्टर डिग्री होती है, एमएड कोर्स करने के पश्चात आप एजुकेशन में भी मास्टर कहलाते हैं। दोस्तों अब हम जानेंगे कि बीएड कोर्स की फीस कितनी होती है। दोस्तों अब हम सभी जानते हैं कि हर कॉलेज की फीस हर कॉलेज में अलग अलग रहती है। वो किस लिए? क्योंकि कभी कभी एक कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, एक कॉलेज का टीचिंग अच्छा है, सब कॉलेज में अलग अलग फैसिलिटीज के आधार पर फीस होती है। दोस्तों यदि आप किसी नॉर्मल कॉलेज से बीएड कोर्स करते हैं तो आपकी फीस 30,000 से लेकर 50,000 तक एक साल की हो सकती है। इसके अतिरिक्त यदि आप यह कोर्स किसी भी बड़े कॉलेज से करते हैं तो आपकी फीस 1,00,000 से लेके 1,00,000 से ऊपर तक एक साल की हो सकती है। दोस्तों तो वो चॉइस आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आपको कैसी कॉलेज में जाना है और कैसी फैसिलिटी पाना है। दोस्तों और यदि आप बीएड कोर्स सरकारी कॉलेज में से करते हैं तो आपकी एक साल की फीस 5,000 से लेकर 10,000 तक हो सकती है। और यदि आप पढ़ने में बहुत अच्छे हैं और आपके ग्रेजुएशन तथा 12वीं में काफी अच्छे नंबर आए हैं तो आपको स्कूल कॉलेज के द्वारा स्कॉलरशिप भी प्रदान की जाती है। दोस्तों आप यह मान लीजिए कि गवर्नमेंट कॉलेज से यदि आप बीएड कोर्स करते हैं तो आपका खर्चा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, परंतु गवर्नमेंट कॉलेज से इस कोर्स को करने के लिए पहले आपको एंट्रेंस एग्जाम देनी होती है। दोस्तों आप माइंड में ये बिठा लीजिए कि हर कॉलेज की एंट्रेंस एग्जाम बीएड के लिए अलग अलग होती है। आपका माइंडसेट जिस कॉलेज में जाना है वहां पे जाके आप सर्च कीजिए और आप डिटेल्स लीजिए कि वहां के पे कौन सी एंट्रेंस एग्जाम चलती है, उस हिसाब से आप एंट्रेंस एग्जाम दीजिए। दोस्तों अब हम बात करते हैं कि बीएड कोर्स के बाद कितनी सैलरी मिलती है। दोस्तों यदि आप सोच रहे हैं कि इस कोर्स को करने के पश्चात आपकी कितनी सैलरी हो सकती है, तो हम आपको बता दें कि यदि यह कोर्स करने के बाद आप गवर्नमेंट स्कूल में नौकरी पा लेते हैं तो उसके पश्चात आपकी सैलरी 40,000 से लेकर 50,000 तक हो सकती है, और इस तनख्वाह के साथ साथ आपको और भी बहुत फायदे मिलते हैं। दोस्तों जब भी कोई सरकारी योजना का आरंभ होता है तो आप सबसे पहले उसका लाभ उठा सकते हैं, और इसके अतिरिक्त आपको यह पता है चाहता है कि गवर्नमेंट स्कूल में सिर्फ 5 से 6 घंटे तक की ही पढ़ाई करवाई जाती है। दोस्तों तो आपके लिए ये चीज बहुत ही अच्छी है। और दोस्तों अगर आप गवर्नमेंट स्कूल से हैं तो आपको सारी की सारी छुट्टी भी आसानी से मिल जाएगी, मतलब कि फेस्टिवल होता है और आपको बहुत सारे लाभ भी हो जाते हैं। दोस्तों और इस कोर्स को करने के बाद यदि आपको सरकारी नौकरी नहीं मिलती और आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो आपको 10,000 से लेकर 15,000 तक की ही नौकरी मिलेगी, और कोई कोई स्कूल तो सिर्फ 7,000 ही पगार देती है। इससे ज़्यादा अच्छी सैलरी की नौकरी आपको प्राइवेट स्कूल के अनुभव के अनुसार मिल सकती है अगर आप इंग्लिश मीडियम में जाते हो तब। दोस्तों अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों अगर आपको कोई जानकारी नहीं समझ आई है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।